मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो माँ ज्वाला का आशीर्वाद लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 19 मई को जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाने के आपका सहयोग होना चाहिए। देश की आवश्यकता क्या है कि आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में एक नजारा देखिए, आप रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं। रोड शो राहुल गांधी का हो रहा है, प्रियंका गांधी का हो रहा है, लेकिन नारा मोदी मोदी का लग रहा है। इसलिए बात यहीं तक नहीं रखी हम और आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश इस बात को मान रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी फिर से पीएम बनेंगे। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के प्रचार को उतरे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। विपक्ष पर हमलावर होने के बजाय अपने ही पार्टी के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट किया है कि पार्टी के पास संसाधनों की कमी है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीरभद्र सिंह के निशाने पर पंडित सुखराम भी रहे। वीरभद्र का कहना है कि एक वक्त में पंडित सुखराम ने अपनी अलग पार्टी हिविका बनाई और कांग्रेस के भी दो विधायकों को अपने साथ ले गए, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखिंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर रखने वाले वीरभद्र सिंह आज कैसे भूल सकते थे। उन्होंने इस मर्मपिता सुक्खू पर अटैक कुछ और ही तरह से शुरू किया। वीरभद्र सिंह ने उसको स्पष्ट किया है कि हम घर की भी तो सफाई करते हैं, ऐसे में सुक्खू को समिति से हटाया गया होगा। इसके बाद उनसे जब राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा पर विपक्ष के आरोप पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा रास का रूट पकड़कर चल रहे हैं। जो रास का सदस्य होता है वह पंचायत या विधायक का चुनाव नहीं लड़ता है। विपक्ष बार बार आनंद को लेकर ये कहता है कि उन्हें चुनाव लड़वाकर देख लो, समझ आ जाएगा। इसी संदर्भ में वीरभद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब दिया है। पूर्व सीएम एवं कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ती की लगातार हो रही विवादित टिप्पणी को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ती यदि कांग्रेस में होते तो कब के बाहर हो जाते। लोकसभा चुनावों में चुनौतियों को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हर चुनाव एक चुनौती होता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्ष 1998 में सांसद शांता कुमार व भाजपा कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी किशन कपूर और उनके साथी ही थे जिन्होंने उस समय के भाजपा हिमाचल प्रभारी नरेंद्र मोदी को हिमाचल से हटाने की मांग की थी। अब ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी के नाम की माला जप रहे हैं। शांता और कपूर इन दिनों मोदी का राग अलापने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के इन दिनों गुरु चेलन मोदी का नाम ले रहे हैं, जो हमेशा मोदी विरोधी दल में शामिल रहे हैं। अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि वे धर्मशाला आते समय रास्ते में देख रहे थे कि भाजपा जो कह रही है वे एनएच कहां पर बने, उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा न केंद्रीय विश्वविद्यालय दिख रहा है, न चंबा सीमेंट प्लांट, न स्मार्ट सिटी दिख रही है और न ही रेलवे ब्रॉडकेस के मामले में भी जनता को ठगा गया है। शिमला शहर में चलती कार में छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस महकमे और सरकार में हड़कंप मचा हुआ। वहीं कांग्रेस के द्वारा शिमला और रामपुर में इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाने से स्थिति और गंभीर बन गई है। उधर सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और SIT का गठन कर दिया गया है। छात्र संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं। पूरे प्रदेश से इस मामले की घटना की निंदा की जा रही है। वाइस ऑफ बैडमिंटन हॉल मंडी में दो दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ADM मंडी श्रावण मांटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजक समिति को बधाई दी। और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह ये जो
ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट डिवेटेड एसोसिएशन के सौजन्य से आगे भी जो है अच्छी प्रतियोगिताएँ आयोजित होते रहें और प्रतिभावान खिलाड़ी जो है आगे निकलते रहें और एक युवा पीढ़ी के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद।